खुद चल रही है, दैट कार इज ऑफ, इग्निशन ऑफ है उसका। वेलकम टू माई चैनल गाइज, तो हम आ गए हैं लद्दाख। फ्लाइट कैसी थी? फ्लाइट बहुत गजब थी, पर और व्यू आते ही शुरू कर दिया इन्होंने। एयरपोर्ट पे हैश ब्राउन खा रहे थे ना, हैश ब्राउन। सब मैकडॉनल्ड से मैकडी खा रहे हो। अरे देखो, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे। लाइफ इज अ सॉन्ग, सिंग इट। लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। लाइफ इज अ चैलेंज, बीट इट। बट वी ऑल नो लाइफ इज अ रेस। तो गाइस, यहाँ पहुँच के अब हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोला था कि एक्लिमेटाइज करना है। तो हम लोग थोड़ी देर सो गए, बट अब सो के जब उठे हैं, तो पहले जब हम आए थे तो हमें लग रहा था चलो चलो घूमने चलते, बट अभी हम सो के उठे तो इतना हेड हैवी हो रखा है। एंड अब समझ आ रहा है कि लोग क्यों बोलते हैं कि लेग रेस्ट करो। तो अब हम आ गए हैं तिबेतन किचन, यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी रेटिंग थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे आना हमने चूज़ किया। अब हम थोड़ा लोकल फूड ट्राई करेंगे, एक चुटकुला, पता नहीं कुछ ऐसे कुछ डिश का नाम है, तो बहुत ही वियर्ड नाम है, तो वो देखेंगे एंड बताऊँगा कैसी है। एस्थेटिक्स तो काफ़ी ब्रिटी है। तिबेतन किचन में हमने बहुत सी मतलब मेन स्ट्रीम डिशेस ट्राई करी, जैसे मोमोज थे, बट काफ़ी जूसी थे। लाइक हमने मटन मोमोज खाए तो काफ़ी अच्छे थे, और वेज मोमोज भी बहुत, लाइक मैदा बहुत कम था और जो फीलिंग थी अंदर वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और बाकी तो हमने नॉर्मल चीज़ें खाई। अब हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल। व्यू देखो गाइस, व्यू देखो भाई साहब, इतना मस्त, वाओ, ब्यूटीफुल। तो अभी हम आ गए हैं मैग्नेटिक हिल, इसको स्टेयरवे टू हेवन भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ एंटी ग्रेविटी फिनोमिना है, आप गाड़ी यहाँ खड़ी करोगे एंड बिना हैंड ब्रेक के, तो गाड़ी जो है खुद अपहिल जाएगी। तो यहाँ की यही स्पेशलिटी है इस पॉइंट की, बाकी तो पूरे मतलब पूरे रूट पे ऐसे ही पहाड़ मिले सारे टाइम। बहुत ज़्यादा सिमिलर है स्पीति से, बट लाइक इट्स डिफरेंट, पर सिमिलर भी है। तो भैया ने जो हमारे जो ड्राइवर हैं, उन्होंने इग्निशन जो बंद कर दिया और ब्रेक हटा दिया। देखो गाड़ी खुद जा रही है ऊपर ही, वो पीछे जा रही है एंड कोई स्लोप नहीं है। अब हम खुद ट्राई करके देख रहे हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो ये इग्निशन ऑफ है, शोभित बैठा हुआ है एंड देखो जा रही है। सही है भाई, लाइक इस पॉइंट पे कोई स्लोप नहीं है, आगे फिर भी स्लोप है बट यहाँ कोई स्लोप नहीं है। माय गॉड, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे वो भी पढ़ा था एक, कि लोग इसको एक हॉन्टेड फिनोमेना भी बोल रहे हैं, बट हॉन्टेड तो नहीं है, शायद कुछ ग्रेविटी का कहीं कुछ खेल है।
ये जो क्लियर वाली ब्लू रिवर है ये इंडस है, एंड उस तरफ जो है उस तरफ संस्कार रिवर है जो थोड़ी गंदी सी है, मतलब उसमें बहुत मिट्टी मिट्टी है तो शायद इसलिए उसका कलर ऐसा ब्राउन ब्राउन है। बाकी यहाँ पे राफ्टिंग होती भाई, इतनी ठंड है और इतनी ठंड के बाद फिर मतलब राफ्टिंग ऋषिकेश पे भाई फटके हाथ में आ जाती है, यहाँ क्या हाल होगा लोगों का। बाकी यहाँ पे ऐसा व्यू है, इतनी एकदम ही ब्लू है, लाइक मेरी जैकेट और ये रिवर का कवर कलर मिल रहा है। ये इस बंदे की तबीयत खराब हो गई है बहुत, तब भी जैकेट उतार के ये फोटो सेशन। 103 फीवर है इन्हें, 103 फीवर, और इतना भी ध्यान नहीं है कि घुस क्या रहा है पीछे। इतने प्यारे ब्रेड होगी यहाँ पे, कॉफी होगी, चाय होगी, दिल्ली में ऐसे सीट फाड़ देते हैं स्कूटी। चिप्स मांग रहा है अपनी उंगली डिप कर, मीठी हो जाएगी सर। अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज हर्षित चोटवानी बताएंगे हमें। ये गुरुद्वारा पत्थर से बना हुआ है, क्या बात है। अबे साले, इतने ज्ञानी लोगों के साथ घूम के इतना अच्छा लगता है मुझे। पर वो ही तो मुझे बहुत गंदा लगता है। कितना सही लग रहा है, वो ऊपर गुरुद्वारा है, ऊपर स्काई भी, एक वो ट्रैक भी है जो कि सॉरी हम नहीं गए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने को मिली है। एक्चुअली यहाँ हुआ क्या था, ये इस गुरुद्वारे के पीछे की कहानी है कि जो गुरु नानक देव जी थे जब वो लद्दाख में थे, तो मतलब वहाँ उन्होंने सुना कि इस एरिया में थोड़ा जो डीमन वगैरह है उनका लाइक बहुत परेशान करते हैं नॉर्मल सिविलियंस को, तो उन लोगों ने इनसे हेल्प मांगी, तो वो यहाँ पे बैठे थे एज इनकी तपस्या वगैरह करने। तो जो ऊपर डीमन था उसने एक पत्थर पे ऐसे लात मारी, एंड वो लात मार के वो जो पत्थर रोल करके आया जहाँ पर वो तपस्या करने बैठते थे गुरु नानक देव जी, एंड तो उस पर उनका जो वो था उस पर उनका इम्प्रिंट छप गया है, लाइक जो पत्थर था उन्होंने उनको चोट नहीं बचाई बट ऐसे उनकी शेप उसमें कार्व हो चुकी है, एंड जो फुटप्रिंट है फुटप्रिंट भी है वहाँ पे रही डीमन का, तो वही अंदर पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर था एंड काफ़ी बड़ा शेप के इम्प्रिंट थे। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लद्दाख, तो 6 बज रहे हैं बट जो चांद है अभी भी यही है, और अभी 6:13 पे सनराइज़ हुआ, तो आई होप आई कैप्चर इट। तो गाइस सनराइज़ हो चुका है, लाइक सनराइज़ तो 6:13 पे था बट अब जो 8:07 जो है सूरज दिखना शुरू हुआ है, और जो व्यू है भाई कितना मैग्निफिसेंट व्यू है, मतलब बहुत ही बढ़िया। हाँ मैंने 2-3 नए वर्ड डाले अपनी वो कैब में, आपको सुनने मिलेंगे वो इस व्लॉग में। बाकी जो चांद है वो अभी तक जब से लाइक तब से वही है और गया ही नहीं है वो, पता नहीं क्यों। बाकी मैंने 1 घंटा टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया और भाई मेरी बैंड बज गई हाथ पैर की, वापस जा रहा हूँ सोने अब। मजे की बात बताता हूँ, हर्षित भी आए ठीक है कि सनराइज़ देखेंगे। मैंने ना नीचे लगा रखा था पहले अपना ये लाइक सेट नीचे कर रखा था कि ये, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे सबसे पहले आएंगी सनराइज़। हर्षित भी आए, मतलब उन्होंने बोला ऊपर जाओ ऊपर देख ले एक बार, मैं ऊपर गया तो मैंने उनको बोला कि फ़ोन रहने दो हिलाना मत, और वो भाई बंदे भाई वो उन्होंने फ़ोन हिला के मेरे को देने लगे, मुझे कहने लगे कि क्या फ़ोन नहीं मांगा तूने। मैंने बोला नहीं भाई फ़ोन दौड़ना मांगा था मैंने आपसे, मैंने बोला फ़ोन रहने दो भाई। ओ भाई, और फिर इसके बाद फिर वो चले गए वापस सो रहे, और मैं यहाँ बैठा हूँ ठंड में आधा घंटा। ये जो जगह है ये शांति स्तूप है, तो हम टेलीपोर्ट कर चुके हैं यहाँ पे शांति स्तूप पे। जादू जादू, वाओ जादू।
अब जब आप शांति स्तूप आएंगे तो वहाँ से आपको ये लाइक अनबिलीवेबल सा व्यू मिलेगा। वाओ मैन, मतलब मैं तो चाहूँ तो मैं इनमें से एक दो घर खरीद लूँ और यहीं रहूँ पूरी ज़िंदगी भर। हालांकि यहाँ नेटवर्क नहीं आता तो वो एक केस होगा। इसे प्री वेडिंग शूट हो रहा है ये, और ये स्पेक्टेटर्स लोकेशन चेक करो यार, ये हर कदम पे अलग व्यू मिल रहा है, हर कदम पे। मतलब ये कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अमेजिंग यार, अच्छा लग रहा है। चिनाल का है, इसका है चिनाल का, CHANFL चैनल। ये देखो भाई, चिनाल का शांति स्तूपा, जहाँ बिल्कुल शांति नहीं है। भाई ये इतनी भीड़ कहाँ से लेके आ रही है? इसका वो क्या है, लाइक व्हाट डज इट सिंबलाइज? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताओ मुझे। तो यहाँ लद्दाख में, मतलब लेह में जो सबसे हाईएस्ट जो पीक है तो वो ये है, इसका नाम है स्टोक कांगरी एंड इसकी हाइट अराउंड 6000 मीटर प्लस है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा, यहाँ कोई टूर गाइड है वो ऐसे बता रहा था तो मैंने सुन लिया। काफी सुंदर पेंटिंग ही बोलते हैं ना इसे, वो रखी है। छुट्टे नहीं है भैया, ये डॉक्टर स्ट्रेंज अभी टाइम स्टोन निकलेगा। जनता माफ नहीं करेगी। नो ऑफेंस गाइस, ऐसी जस्ट मजाक कर रहा हूँ। कंटेंट भी मिल गया मुझे, फोटो खींच के लिए, फोटो खींचो, व्लॉग के लिए कंटेंट, व्लॉग वर्स कर देते हैं व्लॉगर ये। दे आर व्लॉगिंग, सो एम आई, इट्स अ व्लॉग इनटू व्लॉगिंग, जस्ट यस। क्या तुम्हारे फॉलोअर्स में शुभम डॉट प्लेग एज हम ढूंढ लेना, मिल जाऊंगा। ठीक है, पुट हिज यूजर नेम हियर बाय द वे। या कूल, नाइस टू, मुझे भी शाउट आउट दे दो कहानी करण की ऑन यूट्यूब। सेर अगेन कहानी करण की, ठीक है, और ये व्लॉग में मैं भी आऊंगा। हाय गाइस, मेरे को फॉलो कर लेना, मेरा नाम है द झुमरू। श्योर, सी यू सी। लद्दाख के सुपरस्टार में मिल गए हैं यहां शांति स्तूपा पे। ये लद्दाख का सुपरस्टार, ये वो बोल रहा है, लद्दाख की सबसे बड़ी कैमरामैन वुमेन। एक बार पंजाबी इसमें तो बोल दो कुछ, लाइक अ पंजाबी डांस। बाकी मेरा नाम है अरुण, पर आप मुझे प्यार से अंकल भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल। दिस इज़ अवर टेम्पल, मतलब ये मेन टेम्पल है शांति स्तूपा के पास, एंड लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं लेह पैलेस, और काफ़ी ट्रैवल करा है इसके लिए। जो व्यू है वो ऐसा है, वाह भाई। मैं कुत्ते से डरता हूँ या कुत्ते मुझसे डर रहे हैं? ये भैया क्या कर रहे हैं? स्पाइडरमैन मिल गया है, स्पाइडरमैन। तो अब हम लेह पैलेस के अंदर है, और जो लेह पैलेस है उसमें ओवर 100 रूम से ज़्यादा है, एंड ये 9 फ्लोर का है एंड इतना पुराना बना हुआ है, लाइक इट्स एन आर्किटेक्चरल मार्वल। तो ये लद्दाख का आमेर का किला है, एंड जगह जगह पे ऐसे व्यू है, व्यू पॉइंट है और एग्जीबिशन है। अच्छा कूल गाय, ऐसा आर्किटेक्चर है।
अरे ये भी व्लॉगिंग कर रहे हैं क्या? From Poplar, भैया धूम-3 लगा दो. Procured from different places of Ladakh. तो अब हम आ गए हैं लैम मार्केट. यहाँ पे लोकल मार्केट है, मतलब काफ़ी अच्छी बनाई हुई है. ऐसी मार्केट है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग है. और मैं यहाँ खो चुका हूँ. हम किसी के पास भी, मतलब जो भी सिम है यहाँ पे, सिर्फ पोस्ट पेड चलती है एयरटेल और जियो की, बाकी तो कोई नहीं चलती. प्री पेड चलती ही नहीं है, तो फिर अब किसी को कॉन्टैक्ट कैसे करें? मैं ना आज एक बड़ा वाला मास्क खरीद के जा रहा हूँ 20,000 रुपीज़ का. दिखाऊँ तुमको शॉप पे पहुँच के वीसी करके दिखाऊँ? तो ये जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग नहीं सॉरी मस्जिद है, जामे मस्जिद लेह लद्दाख. काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्ट कर रही है, लाइक ये आज तक की बेस्ट मस्जिद होगी जो मैंने देखी है. सुंदर है भाई. मैं सच में खो चुका हूँ, मुझे मिल नहीं रहे वो लोग. कहाँ पे लोग बैठ गए होंगे खाना वाना खाने, और मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने के चक्कर. मेरा एक्चुअली हुआ क्या, मेरे जो जूते हैं वो थोड़े फट गए थे, तो इस चक्कर में मैं इस चक्कर में लाइक मोची ढूंढ रहा था, एंड मोची तो मिला नहीं है. वो लोग भी खो गए. शेर